हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि 8 जुलाई को होगी। कांग्रेस उनकी पुण्यतिथि को प्रदेश भर में संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है और इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करेगी और वीरभद्र सिंह को पुष्प अर्पित करने के साथ ही उनके किए गए कार्यों को याद किया जाएगा। 8 जुलाई को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। गेटी थिएटर में 8 जुलाई को 4 बजे ये प्रार्थना आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी धर्मों के लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल होंगे और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। कांग्रेस के महासचिव यशवंत छाजटा ने बताया कि 8 जुलाई को महबूब नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि को कांग्रेस संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी धर्मों के लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 8 जुलाई को जो है हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की जो पहली पुण्यतिथि होगी, उस दिन कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जो है अपने महबूब नेता को जो है पुष्पांजलि अर्पित करेगी और इस दिवस को जो है संकल्प दिवस के नाम से जो है मनाएंगी, ताकि हम जो उनकी सोच थी, जिस तरीके से उनका योगदान हिमाचल प्रदेश की जो डेवलपमेंट है उसके लिए रहा है, आधुनिक हिमाचल के वो निर्माता कहलाए गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल को संवारा है, हम अपने नेता को उस दिन याद करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि जो भी उन्होंने प्रदेश के लिए सोचा था, जो उनकी प्रदेश के प्रति जो है अपनी एक आस्था थी, गरीबों के प्रति अपनी एक आस्था थी, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस दिन संकल्प लेगा कि उनके मार्गदर्शन में, जो उनको हमें उनसे मार्गदर्शन मिला है, उस मार्गदर्शन में हम आगे चलेंगे और हमेशा अपने नेता को जो है याद रखेंगे। को हम शिमला में गेटी थिएटर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे सभी धर्मों के जो है वो लोग होंगे, वो वहाँ पे प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। और मेरा सभी हिमाचल वासियों से ये निवेदन रहेगा कि जो सर्वधर्म सभा का प्रार्थना सभा का जो आयोजन 8 तारीख को शिमला के गेटी थिएटर में किया जा रहा है, वो उसमें अपने भागीदारी सुनिश्चित करें और इस महान नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।